हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 CBSE की कविता पढ़ेंगे जिसका नाम द वॉइस ऑफ रेन है और इसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर which, strange to tell, gave me an answer, as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Poet Walt Whitman धीरे धीरे गिर रही बारिश के साथ अपनी काल्पनिक मुलाकात का वर्णन कर रहे हैं। कवि रिमझिम गिरती हुई बारिश से कहते हैं, तुम किसकी बनाई हुई कलाकृति हो? कवि के इस प्रश्न का एक स्ट्रेंज आवाज में वर्षा उत्तर देती है। वर्षा की आवाज सुन कवि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वर्षा की भाषा या उत्तर केवल कवि को ही समझ आता है, इसलिए वो उस उत्तर को अपने रीडर्स के लिए ट्रांसलेट कर कहते हैं कि वर्षा का कहना है कि वो पृथ्वी की कविता है। Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence, vaguely formed, altogether changed and yet the same. इन पंक्तियों में eternal का मतलब अनंत, impalpable जिसे छुआ ना जा सके, vaguely थोड़ा। वर्षा पोएट से कहती है कि वो अनंत काल से सदैव ही जमीन और गहरे नीले समुद्र से जन्म लेती है, और जब वो वेपर के रूप में ऊपर उठती है तब ना तो कोई उसे छू सकता है और ना ही उसे देख सकता है, और वो उठकर आकाश में चली जाती है जहां उसका रूप बिल्कुल भिन्न होता है जिस रूप में वो आकाश में उठती है, परंतु वो अपने मूल प्रकृति या रचना में कोई परिवर्तन नहीं करती है। I descend to lave the drought atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. यहाँ descend का मतलब गिरना, lave का मतलब धोना या स्नान कराना, drought सूखा, atomies सूक्ष्म कण, लेटेंट अनांकुरित। वर्षा अपने बारे में विस्तार से बताते हुए पोएट से कह रही है कि वो किस प्रकार पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु को एक नया जीवन प्रदान करती है। वो कहती है कि जब वो पृथ्वी पर आती है तो धरती की प्यास बुझाती है, अर्थात सूखाग्रस्त स्थानों, मिट्टी के सूक्ष्म कणों तथा धरती पर पड़ी सूखी रेत की परतों को अपने जल से भिगो देती है। वर्षा आगे कहती है कि मेरे जल के बिना तो कोई भी बीज या सीड्स अंकुरित भी नहीं होंगे या पौधे नहीं बन पाएंगे। By day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it for song, issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, rigged or unrigged, duly with love returns. इन पंक्तियों में origin का मतलब आरंभ, issuing बाहर निकलकर, wandering भटकना या इधर उधर घूमना, rigged और unrigged किसी के द्वारा सुना या अनसुना करना। वर्षा पोएट से आगे कहती है कि वो दिन हो चाहे रात, वो हमेशा से ही पृथ्वी को एक नया जीवन देती आ रही है, जिस पृथ्वी से वो स्वयं जीवन प्राप्त करती है और साथ ही वो पृथ्वी को शुद्ध और सुंदर बनाए रखती है। अंतिम पंक्तियों में कवि वर्षा को एक गीत गाने वाली चिड़िया से कंपेयर कर रहे हैं जो अपने घोंसले या ओरिजिन से रवाना होकर
अपने मधुर गीतों को गाते हुए इधर उधर भटकती है और अंत में सेटिस्फाइड होकर अपने जन्म स्थान या घोंसले में लौट जाती है, बिना इसकी परवाह किए कि उसके गीतों को किसी ने सुना भी है या अनसुना कर दिया है। कविता की पोइटिक डिवाइसेस कुछ इस प्रकार हैं। पहली प्रसोनिफिकेशन, एग्जाम्पल एंड हु आर दो। यहाँ पर वर्षा को प्रसोनिफाई किया गया है एज अ ह्यूमन जो बात कर सकती है। सेकेंड पोइटिक डिवाइस है मेटाफर, एग्जाम्पल पोएम ऑफ अर्थ। यहाँ वर्षा को पोएम ऑफ अर्थ से कंपेयर किया गया है, मतलब पोएम की तरह ही वर्षा में भी एक म्यूजिक और रिदम होती है और वो उसी की तरह सूदिंग या हीलिंग पावर रखती है। तीसरी पोइटिक डिवाइस है ऑक्सीमोरोन, एग्जाम्पल ऑल टूगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। ये दोनों ही फ्रेज अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैसेज ऑफ द पोएम, विदाउट रेन देर इज नो लाइफ, मतलब बारिश के बिना कोई जीवन नहीं है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।